तुम नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एपीपीसीएन राइटर्स। तो आज हम जाएंगे आदि योगी शिव स्टेचू, जो कि बेंगलोर से 80 किलोमीटर चिकबालापुर में है। तो ये सेकेंड आदि योगी शिव स्टेचू है जो कि चिकबालापुर में है। पास आदि योगी शिव स्टेचू कोयम्बटूर में है जो कि तमिलनाडु में है। तो बेंगलोर से कोयम्बटूर 230 किलोमीटर है, तो इतना दूर तो हम नहीं जा सकेगा। इसके लिए चिकबालापुर में ही आप लोग को आदि योगी शिव स्टेचू एक्सप्लोर करने जाएंगे। चिकबालापुर आदि योगी शिव स्टेचू को ओपनिंग किया है 15 जनवरी 2023। इनोग्रेशन किया है बेंगलोर के हॉनरेबल मिनिस्टर बसवराज, और आदि योगी सॉन्ग गाने वाला हेमराज वो भी आया था, और साधु गुरु भी आया था। वो टाइम हम नहीं जा पाया क्योंकि कुछ मेरा काम था। इसके लिए आज आप लोग को हम दिखाने के लिए जाएंगे। तो कैसे होता है, आप सभी मेरे वीडियो पे बने रहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, हम वीडियो में देखा था, बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही सुंदर है। तो कैसे होता है आज हम लोग जाके देखेंगे। तो लेट्स गो। सब कह रहे हैं आदि योग, योग के स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन अनन गननम, उतर मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन गनन गननम, उतर मुझ में आदि योगी, उतर मुझ में आदि योगी। इस दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो सनन सननम,
फाइनली हम लोग आदि योगी पे पहुंच गया, तो अभी गाड़ी को पार्किंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है टू व्हीलर का पार्किंग और वो साइड में है फोर व्हीलर का पार्किंग। तो इस फाउंडेशन अंदर घुसने के लिए आप लोग का शू इधर ओपन करना पड़ेगा, आप लोग का शू यहाँ ओपन करना पड़ेगा। तो अभी सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर शू ओपन करते हैं, तो अंदर कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो आप लोग देख रही है ये पीछे ईसा फाउंडेशन सिर्फ स्टेचू। तो फाइनली हम पहुंच गया है ईसा फाउंडेशन आदियों की सिर्फ स्टेचू में, जो कि बेंगलोर से 80 किलोमीटर है। ये एरिया है चिकबालापुर। ये सिर्फ स्टेचू आदियों की फाउंडेशन पास इंडिया में बनाया गया है कोयम्बटूर में, जो कि तमिलनाडु में है, और सेकेंड बनाया गया है बेंगलोर बेंगलोर से थोड़ा दूर चिकबालापुर में बनाया गया है। इसका हाइट है 112 फीट और उसका टोटल वेट है 600 टन्स। और एरिया का बात बोले तो ये 200 एकर्स में फैला हुआ है, तो बहुत ही बड़ा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। इसका फाउंडेशन बनाने के लिए ये 200 एकर्स है एरिया। ना कुछ बोलिए, क्या बोलूं, भगवान शिव का प्रार्थना कीजिए सारा दिन सारा।